हे गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी लग रही हूँ आज मैं? आज आप लोगों की राधा रानी बन के आई हूँ। मैं सोची कि कुछ अलग दिखूँ, क्योंकि मेरी बेटी रहती है तो मुझे थोड़ा सा तैयार करती है वो किसी भी वीडियो के लिए, लेकिन वो है नहीं तो मुझे खुद से तैयार होना पड़ा। तो मेरे पास कुछ ज्वेलरीज थे जो कि मुझे ईजी हुआ तैयारी होने में, और ये गजरा था मेरे पास, तो गजरा सबसे ज़्यादा लुक दे रहा है, अच्छा गजरा ही दे रहा है। लेकिन मुझे ये बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। शिवम ने मेरी हेल्प कर दी गजरा को तैयार करने में, क्योंकि उसके पहले मुझे ये चोटी बनानी पड़े थे। ये चोटी बनाने के बाद ये गजरा सेट हुआ इसमें, तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ये गजरा चोटी ये सब तैयार करना। पहले मैं बाली को एकदम से तैयार कर ली, उसके बाद मैं खुद तैयार हुई हूँ। मुझे मेरा बहुत मन था, क्योंकि जन्माष्टमी मैंने अगले साल भी बहुत उत्साह से मनाया था, और इस साल भी मैं 2 साल से जन्माष्टमी मना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जन्माष्टमी का वो पर्व नहीं मनाया जाता है जनकपुर में। तो लेकिन अब मतलब 2 साल से मैं ऐसे मना रही हूँ कि जैसे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, और सही में बहुत बड़ा त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी, और जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से राधा रानी बन के मनाते हैं, और बच्चे लोग राधा रानी और कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल, छोटे छोटे बच्चे लड्डू गोपाल बन के आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट क्यूट। ऐसे जैसे मैं कल मार्केट में गई थी तो इतना अच्छा अच्छा ड्रेस मिल रहा था ना लड्डू गोपाल जी का, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी का बता नहीं सकती। कुर्ता था, वो नीचे लंगोटी बांधने वाला था, फिर सर पे ऐसे मोड़ वाला मुकुट था, बहुत सुंदर लग। मुझे लग रहा था कि काश मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा रहता तो मैं उसको बहुत सुंदर से तैयार करती, लेकिन चलिए मेरे लड्डू गोपाल सब तो बड़े बड़े हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं। एक है ना हमारे लड्डू गोपाल जी, जिनको हम राखी बांधते हैं, जो हम सबकी रक्षा करते हैं, जो एक नया अवतार लेके धरती पे आए हैं, तो हम उनका बर्थडे मनाते हैं खूब शान से मज़े से। तो अभी मैं तैयार खुद हुई हूँ, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, और मंदिर भी मुझे तैयार करना है। मंदिर के डेकोरेट के लिए मैंने बहुत सारे सामान खरीदे, ये देखिए ये बहुत सारे सामान। जब मंदिर तैयार हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को ज़रूर पकड़ से दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ जन्माष्टमी के लिए, तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में ऐसे, और हमारी मेहनत का प्रशंसा आप लोग जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। थोड़ा बहुत हेल्प मुझे शिवम ने किया, और मार्केट जाके सब कुछ सामान लाने में हेल्प मेरे हस्बैंड की है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा हमारे ब्लॉग को, और कुछ कमी रह गई होगी तो उसे कमी वाली चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे से जितना बन पाएगा, जितना अच्छा हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी, और ये करते हुए मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मेरे राधा रानी और मेरे ये कन्हैया बाहर रह रहे हैं, तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना हम आज लड्डू गोपाल जी से करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी वो रक्षा करे, देखे, और हमारी राधा रानी भी आगे बढ़े। तो यही सब है बच्चों के लिए हम करते हैं, और वो भी हमारे एक साथी है, भाई है, रक्षक है, बहुत कुछ है। तो चलिए हम कितना बोले कितना ये कि मुझे पक 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 आप लोग भी पक जाएंगे। तो चलिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। हम मंदिर, यहाँ पे हमारे मंदिर हैं, देखिए इस मंदिर के पास ही हम पर्दा को ऐसे लगा के इसी में डेकोरेट करेंगे। ये फ्लावर सब है इसमें, बहुत कुछ है, बाकी पूजा का फूल भी मैं मंगा ली हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड का छुट्टी नहीं था, वो कॉलेज गए हुए हैं, तो उनसे जो बन पाया, कल शाम में भी गए थे और आज सुबह में भी जाके बहुत कुछ सामान लेके आए, और बहुत कुछ बाकी भी है, तो वो अब क्लास करके आएंगे 4 बजे तक, तो लेके आएंगे, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। हे गाइस, तो आज कल से मैं आज कंटिन्यू की हूँ, कल का जो वीडियो था उसके बाद, ब्लॉग के बाद मैंने सोचा कि 2 दिन का जन्माष्टमी है, तो मैं सुनी कि 2 दिन का, बाद में मुझे पता लगा कि 2 दिन का जन्माष्टमी है, तो मैं कल आधा तैयारी कर ली थी, बाकी पूजा पाठ का तैयारी मैं आज की हूँ, और पूजा भी आज सुबह, अभी आज गुरुवार भी था मेरे लिए, 2 चीज़ सही थी, आज पूजा करने का निर्णय था मेरा, इसलिए सही था क्योंकि मैं आज के दिन गुरुवार का व्रत भी करती हूँ, और व्रत करके अगर मैं पूजा करूँ तो मुझे, मेरे लिए बहुत सुकून का चीज़ है कि मैं कुछ ना खा के पूजा करूँ, और रात में 12 बजे उनका पूजा भूखे पेट करूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जन्माष्टमी का व्रत करती नहीं हूँ, ये मैं 2 साल से करना शुरू की हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी मुझे मिला दिए थे कोई ऐसे,
गिफ्ट में, तोहफा में। तो मैं सोची कि अगर आए हैं वो हमारे घर में तो उनका मैं श्रद्धा से पूजा पाठ करूं और उनको अब उनका पूजा अब मैं करूं, क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी। यहाँ पे ज़्यादा पूजा नहीं होता लड्डू गोपाल जी का, ऐसे कृष्णा भगवान का पूजा होता है, राधा कृष्ण का पूजा होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी मेरे लिए बहुत बेस्ट विशेष बन के आए, तो इसलिए मैं उनका पूजा अभी 2 साल से करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मैं अगले साल भी ब्लॉग बनाई थी, इस साल भी ब्लॉग बनाया, तो मैं कल से आज का कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ। और ये आज का मेरा ये लुक है, जो कि मैं गुरुवार था तो पीला पहना था, और मंदिर को मैं कम्प्लीटली तैयार करके लड्डू गोपाल जी का स्नान करके, उनको पोशाक पहना के, श्रृंगार करके, उनका पूजा पाठ करके मैं उनको पालने में बिठाई हूँ। और बाकी आज मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, और बाकी का पूजा मैं शाम को करूँगी और उसके बाद आरती रात में करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले सबसे पहला लुक मैं आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी का दिखाती हूँ, ताकि बहुत बेहतर लग रहे हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नज़र ना लगे। हे गाइस, शाम पड़ गई है। अब हम लोग शाम का पूजा तो किए हैं, अब रात का पूजा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा मंदिर में जाके भी दर्शन कर ले, तो हम लोग अभी मंदिर जा रहे दर्शन करने के Hello लिए friend. और सेब खा लो। काहे ऐसे फालतू बात करते हो जी, तो कुछ भी बोलता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर में, मंदिर में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं व्रत की थी तो मेरा मन था कि मंदिर जाके दर्शन करूं। और घर में तो मैं अभी घर का भोग बना रही हूं लड्डू गोपाल जी के लिए, हलवा बनाई हूं मैं, ये देखिए। बस बनाई हूं मैं, बाकी उसका सजावट है ना शिवम ने किया है। तो अभी पहले मंदिर से आती हूँ, तब उसके बाद घर में पूजा करूँगी। घर का पूजा तो रात के 12 बजे होगा ना, तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मंदिर। चलिए आप लोग जल्दी। तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं, मंदिर हम लोग बाइक से आए हैं, क्योंकि हम लोग के पास तो 4-व्हीलर है नहीं कि हम लोग उससे आए, तो हम लोग बाइक से आए हैं। 3 जने बैठे थे बाइक पर, थोड़ा ही दूर मंदिर है, घर के पास ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आए मंदिर में, भीड़ भाड़ तो था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, भीड़ तो शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा था, तो ठीक था, दर्शन अच्छे से हुआ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छे से हम लोग दर्शन किए एकदम शांति से, और मंदिर में जब पहचान का पंडित जी हो तब तो और अच्छा रहता है दर्शन करने में, मौका मिलता है अच्छे से दर्शन करने का, वरना तो धक्का मुक्की इतना होता रहता है कि मंदिर जाने का भी मन नहीं होता रहता इतने धक्का मुक्की में। तो इसलिए हम लोग शांति से रात के टाइम में आए थे पूजा पाठ करने के लिए। दर्शन करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, और यहाँ पे पंडित जी से इन्होंने एक माला मांगा, फूल का माला मांगा कि ये लोग शिवम को और हमें गले में पहनाए, तो भगवान का आशीर्वाद अच्छा मिला। बाकी यहाँ पे भीड़ भाड़ इतना है कि अब तो पहचानते तो हमें बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अब पहचान के वजह से मैं वहाँ पे रुकूँ ये मेरे लिए कुछ ठीक नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहीं बाहर कोई हमें रोके टोके, कोई पहचान तो लेते ही है, बाकी रोके टोके तो हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती हूँ, ये डर लगा रहता है कि कहीं साइड से कोई वीडियो ना बना ले, कहीं साइड से कोई पिक्चर ना क्लिक कर ले, तो पता नहीं ये सब मुझे डर लगता है, लेकिन नहीं लगना चाहिए ये सब, अगर मैं सोशल साइड में हूँ तो ये सब आम बात है, फिर भी मैं डरती रहती हूँ ये सब से। तो यहाँ पे आराम से दर्शन की, क्योंकि मौका मिला, रात का टाइम था, ठंडा मौसम था, दिन में तो धूप बहुत थी, तो यहाँ पे शांति से हम लोग दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद लिए। पंडित जी इनको बोल रहे थे कि आप लोग जोड़े में आए हैं, ऐसे कुछ बोले, तो ये देखिए हमें माला पहनाए गले में, और हम बच्चों को और इनको टीका लगाए। फिर थोड़ी देर के बाद सोचे कि मंदिर का एक बार परिक्रमा कर लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने के बाद, दर्शन होने के बाद परिक्रमा करना ठीक होता है,
तो हम इनसे बोले कि चलिए हम हमारे साथ एक बार परिक्रमा करिए, क्योंकि बराबर तो ये हमारे साथ मंदिर जाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से हमें मौका मिलता है इनके साथ मंदिर जाने का। तो अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर का। वैसे तो 3 बार किया जाता है, लेकिन टाइम कम होने के अभाव से मैं एक ही बार की, क्योंकि मुझे दूसरा और मंदिर जाना था। उस मंदिर में भी पता नहीं था कि भीड़ होगा कि क्या होगा, और मैं खाना भी नहीं पकाई थी क्योंकि मेरा व्रत था, तो 2 जने का ही खाना बनाना था। तो आराम से बनाई, क्योंकि 12 बजे तक तो जागना ही था, 12 बजे तो पूजा करना था, इसलिए मैं आराम से खाना बनाने की सोच रही थी कि गर्म गर्म बनाऊँगी तो खाएँगे ये लोग। तो इस वजह से आराम से हम लोग दर्शन कर रहे थे, कोई धरपड़ नहीं था। तो कहा जाता है कि जब मंदिर में दर्शन हो तो निकलने के बाद थोड़ी देर बैठा जाता है मंदिर में, कहीं भी थोड़ा देर बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट जो आपका मन करे एक बार बैठ जाना चाहिए। तो मैं ऐसे हाथ दिखा रही हूँ उनको, वहाँ पे साइड में चलिए बैठने के लिए, और लोग देख रहे थे हमें ऐसे कि जैसे लगता है कि उन लोगों को मन हो कि हमें कुछ टोके कुछ पूछे, लेकिन फिर हम ज़्यादा इधर उधर नहीं देखे। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मिठाई की दुकान में आए। मिठाई की दुकान में बहुत सारा दुकान सब तो बंद हो गया था। तो देखिए यहाँ पे मिठाई मतलब ज़्यादा मिठाई तो नहीं था, सारा दिन भर में बिक गया था, तो सारा खाली का खाली है। आप लोग बोलेंगे कैसे मिठाई दुकान में आ गए, तो क्योंकि मैं रात के टाइम में आई ना, तो मिठाई सब बंद हो गया था सारा दुकान, और ये खुला था तो इसमें मिठाइयाँ रह गई थी। हम सोचे कि जो ही मिला तो सही, मेरा ये प्रसाद में दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रसाद है चल रही थी, क्योंकि मुझे प्रसाद मिला, सब ने अपना अपना प्रसाद मेरे प्लेट में डाल दिया था, तो इस वजह से प्रसाद रखना पड़ा। और यहाँ पे बाइक से हम लोग निकले, बाइक पे तो गई थी, और वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत होती रहती है कि जैसे ही अपना ऐसे करूँ लोग फास्ट रखते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि क्या करें। और यहाँ से मिठाई लिए, ये लोग मिठाई लिए और अब जा रहे हैं, ये हमारा प्रसाद है, हम लोग घर जाके खाएंगे। ऐसे ही एक बार नहीं किया है, तो इसलिए हम नहीं खाए, नहीं खाए। शिवम बाबू से मिठाई पसंद किया, हर मिठाई में से एक लिया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए रंग बिरंग का प्रसाद ही सही होगा। हमें नहीं ना पता कि उनको वो कौन सा भोग बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए हर मिठाई में से एक मिठाई लिए, एक लिए, और अंदर जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय बांके बिहारी महाराज की जय, जय लड्डू गोपाल जी की जय। श्री गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करो आरती तेरी, तुझ पे उकारा बलि बन जाऊं साँझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे पिया पति मैं करूं आरती तेरी। शिवम को भी 12 बजे रात तक जगाई थी मैं, और इसको भी टाइम मिला पूजा करने के लिए। और हम लोग मंदिर से आए तो सोच लिए कि शिवम को अगर मैं सबको जगा के रखूंगी, जय लड्डू गोपाल जी की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू गोपाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।